Hey guys, this is Sonu Alawat. दोस्तों अगर आप एक SSC एस्पिरेंट हैं और SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं SSC की तरफ से आने वाले कुछ खट्टे मीठे अपडेट। खट्टे मीठे इसलिए क्योंकि कुछ गुड न्यूज है और कुछ बैड न्यूज है। टोटल 9 से 10 इंपोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसलिए अच्छे से समझिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ अपडेट्स को सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे और कुछ अपडेट्स आपको दुखी भी कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं अपडेट नंबर फर्स्ट के बारे में, जो कि निकल के आ रहा है वैकेंसी इंक्रीमेंट से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, SSC की ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसीज इंक्रीमेंट देखने को मिला है SSC CGL की रिक्रूटमेंट में। लगभग 15,350 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिल सकती है। एक ऑफिशियल RTI के रिप्लाई में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी मिली है। SSC के थ्रू लगभग 55 प्लस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है। 55 में से 16 पोस्ट के ऊपर लगभग 15,350 वैकेंसीज है। अगर हम बाकी की पोस्ट और डिपार्टमेंट को भी कैलकुलेट करें, इस बार आपको 15,350 नहीं बल्कि 18,000 से 20,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। जितने भी यहाँ पर CGL एस्पिरेंट्स हैं उनकी तो आंखों में चमक आ गई होगी। केवल CGL ही नहीं, आने वाली SSC MTS हवलदार में भी आपको लगभग 8,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। पिछले साल कहां 1,558 वैकेंसी थी और इस बार 8,000 प्लस वैकेंसीज होंगी। SSC स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर भी अराउंड आपको 3,000 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। SSC CHSL की पोस्ट के ऊपर 3,712 वैकेंसी थी, लेकिन ये वैकेंसीज भी इंक्रीज होने वाली है, अराउंड 4,000 के आसपास वैकेंसीज पहुंच जाएंगी। SSC Constable GD की जो वैकेंसी आएंगी 25,000 नहीं बल्कि 35,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इस बार SSC CPO SI की वैकेंसी भी काफी बेहतरीन आई, SSC JEE की वैकेंसी भी काफी बेहतरीन आई और SSC CHSL की वैकेंसी भी काफी बेहतरीन आई। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों इन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अंदर काफी टाइम से प्रमोशन पेंडिंग थे और इन सभी प्रमोशंस को एकदम से खोला गया है 1 दिसंबर 2023 को, जिसकी वजह से इन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर काफी सारी पोस्ट खाली हो गई और इन सभी पोस्ट को इस साल भरा जा रहा है। अगर हम दोस्तों आने वाली SSC CGL की पोस्ट के बारे में बात करें तो पोस्टल शूटिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर लगभग 4,096 वैकेंसीज आ सकती है। अपर डिविजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 40 वैकेंसीज, एक्साइज इंस्पेक्टर की 2,664 वैकेंसी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 930 वैकेंसी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 411, टैक्स असिस्टेंट CBDT 2,259, टैक्स असिस्टेंट CBIC 1,620 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है और वैकेंसीज अराउंड 18,000 से 20,000 के आसपास हो सकती है। मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया था, इसमें पहले ही बता दिया था कि इस बार 10,000 से 12,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये काफी बड़ी गुड न्यूज है कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो रही है, जिससे कॉम्पिटिशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो आइडिया लगा रखा था कट ऑफ, उससे नीचे ही रह जाएगी, तो सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं सेकंड बड़े अपडेट के बारे में, जो कि आ रहा है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फॉर 2024 एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है SSC ने इस बार डिसाइड किया है कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी SSC के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, वो डिफरेंट होगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। पहले TCS एग्जाम कंडक्ट कराता था, लेकिन अब किसी दूसरी एजेंसी को लाया जाएगा जिसके लिए टेंडर भी जारी किया गया था। लेकिन दोस्तों अब पता चल रहा है 2024 में SSC के थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे उन सभी एग्जाम्स को TCS ही कंडक्ट कराएगा, क्योंकि अभी तक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज नहीं हुई है, वो अभी अंडर प्रोसेस ही है और किसी कारण की वजह से प्रोसेस रुका हुआ है। अगर हम टेंडर के प्रोसेस के बारे में बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक बनाने वाली एजेंसी में क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है वो फाइनेंशियल इवोल्यूशन फाइनेंशियल बिडिंग में पहुंच चुकी, साथ ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की अगर हम बात करें तो एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजी और साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये दोनों फाइनेंशियल इवैल्यूएशन में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये तो तय है कि अगले साल तक जो SSC के सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बैंक बनाएगी वो क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ही होगी। और दोस्तों ये भी काफी हद तक ऑलरेडी तय ही हो चुका है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होगी जो CBT को कंट्रोल करेगी, उसको मैनेज करेगी या फिर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, वो आपकी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकती है। लेकिन ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है 2024 के जितने भी एग्जाम्स होंगे ना वो TCS ही कंडक्ट करा सकती है, क्योंकि अगर अब भी इस मूवमेंट पर भी एजेंसी फाइनलाइज हो जाती है फिर भी वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए या फिर क्वेश्चन
इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने के लिए सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि सारी चीजें कोऑर्डिनेट करनी पड़ेगी। 3-4 अलग अलग एजेंसी होगी, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, जो एजेंसी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी उसके साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और दोस्तों क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए, नए क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए भी ऑब्वियसली बात है टाइम तो लगता ही है। और वैसे भी एसएससी के 4 से 5 एग्जाम्स की ऑफिशियल डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड है, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो 24 से 26 जून को होगा, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 1 से 12 जुलाई को होगा, एसएससी सीपीओ एसआई का एग्जाम 27 28 29 जून को होगा, एसएससी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम अभी 5 6 और 7 जून को कंडक्ट कराया जाना है, जो कि खुद टीसीएस ही कंडक्ट कराएगा। तो दोस्तों इस साल की तो टेंशन हट जाती है, तो प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट को ही टारगेट करके प्रिपरेशन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व करते रहिए, क्योंकि इस बार ऑलमोस्ट सभी एग्जाम को टीसीएस ही कंडक्ट कराने वाला है। बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में। काफी सारे लोगों ने पूछा कि भैया एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो 7 मई 2024 को जारी होने वाला था, लेकिन किसी कारण की वजह से वैकेंसी नहीं आई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो भाई ये वैकेंसी कब आएगी। देखिए दोस्तों इसके पीछे का रीजन एग्जैक्ट तो पता नहीं कि वैकेंसी क्यों डिले हुई है, लेकिन फिर भी आइडिया लगाया जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन की वजह से वैकेंसी को शायद डिले किया गया है। अब 4 तारीख को काउंटिंग है, उसके बाद सब कुछ फ्री हो जाएगा, तो उम्मीद है 5 जून के बाद एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। आपका पहला कर्तव्य है खुद को फुल्ली प्रिपेयर करना इस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों तैयारी में बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, क्योंकि अब वैकेंसी आपकी कभी भी आ सकती है, नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। जैसे कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले आने वाली एसएससी के थ्रू वैकेंसी एमटीएस हवलदार की ही रहेगी, अराउंड 8,000 के आसपास आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो इसी महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब देखिए दोस्तों एक सवाल यह भी उठता है, जो कि अपडेट नंबर 4 में मैंने कवर कर दिया है, अगर एसएससी एमटीएस की वैकेंसी अराउंड 1 महीना डिले चल रही है तो क्या आने वाली एसएससी की सभी वैकेंसी डिले होंगी? बिल्कुल होंगी दोस्तों, तैयार हो जाइए। जो लोग एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर के ऊपर उम्मीद रख के बैठे हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी का वेट कर रहे हैं, तो वो पहले तैयार हो जाइए, पहले अवेयर हो जाइए, ये सभी वैकेंसीज आपकी गारंटीडली डिले होंगी। एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी तो डिले हो ही गई है, 7 मई को आने वाली थी और अब आपका 7 जून आने वाला है, वैकेंसी अभी तक नहीं आई, तो जाहिर सी बात है जो एसएससी सीजीएल की वैकेंसी 11 जून को आने वाली है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर, ये वैकेंसी आपकी गारंटीडली डिले, क्योंकि सीजीएल से पहले एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन जारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एसएससी कभी भी 2 रिक्रूटमेंट को पैरेलल नहीं चलाता है, क्लियर है? तो भाई पहले एमटीएस की वैकेंसी आएगी, उसके बाद शायद अगले महीने आपको सीजीएल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो भाई काफी कम चांसेस है कि 11 जून को सीजीएल की वैकेंसी आए, बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, वैकेंसी यहां पर डिले हो जाए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी वैकेंसीज डिले होती आई हैं एसएससी की, बस जो एग्जाम डेट है कि अक्टूबर में एग्जाम कंडक्ट कराना है वो डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जिन लोग का लास्ट अटेम्प्ट है ना उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 16 जुलाई को आने के चांसेस हैं, लेकिन भाई ये वैकेंसी भी डिले होंगी अगर ऊपर की 2 वैकेंसी डिले हो रही हैं। एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी 27 अगस्त 2024 को आने वाली है, और ये वैकेंसी भी आपकी गारंटीडली डिले होगी 1 से 1.5 महीना, तो आप पहले तैयार रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आपकी ज्यादा पोस्टपोन होगी या फिर कैंसिल हो जाएंगी, वैकेंसी आएगी जरूर, बस थोड़ा बहुत डिले आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? बाकी ये एग्जाम डेट यहां पर उन्होंने पहले ही जारी कर रखी है। अब देखिए दोस्तों एक और चीज है, काफी सारे लोग लगातार ये भी पूछते हैं कि भैया एसएससी का एग्जाम कैलेंडर भी तो अपडेट होता है साल के मिड में। बिल्कुल होता है। देखिए दोस्तों जो एसएससी का एनुअल एग्जाम कैलेंडर अपडेट होगा वो जुलाई महीने के अंदर होगा, और ऐसा भी हो सकता है इन वैकेंसीज को डिले ही रखा जाए और जो एग्जाम कैलेंडर अपडेट हो उनमें आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी, यानी कि एसएससी सीजीएल की नई डेट क्या होगी, एसएससी स्टेनोग्राफर कांस्टेबल जीडी की नई डेट क्या होगी, और इसी अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर में इन सभी रिक्रूटमेंट्स की ऑफिशियल एग्जाम डेट्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो भाई जो एनुअल एग्जाम कैलेंडर अपडेट होगा वो जुलाई महीने के अंदर होगा, तो जैसे कोई इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर जुलाई महीने के अंदर एसएससी का एग्जाम कैलेंडर अपडेट होगा तो क्या उसमें आने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की जानकारी होगी? देखिए दोस्तों आप सभी को पता है लगभग 4000 प्लस वैकेंसीज ऑलरेडी अनाउंस्ड है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर, लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर YouTube के ऊपर आपको कितना भी एक्सपीरियंस टीचर ये कह रहा है कि 2024 के अंदर ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 2024 के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं आएगी। दिल्ली पुलिस के अंदर आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी 2025 के अंदर, लिख के ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों फिलहाल
दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 2489 वैकेंसी खाली है, और दिल्ली पुलिस जो स्क्रूटनी करेगा नई वैकेंसी की वो 1 सितंबर को करेगा, यानी कि इतनी वैकेंसीज फिलहाल खाली हैं और 1 सितंबर को वैकेंसीज की स्क्रूटनी होगी और लगभग 2000 और वैकेंसीज जोड़ी जाएंगी इन खाली पड़ी वैकेंसी में, यानी कि सितंबर के बाद ही ये जाके तय होगा कि भाई वैकेंसीज आपकी कब आ सकती हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। और ये बात ऑलरेडी तय है, इंटरनली अपडेट निकल के आ चुका है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से कि लगभग 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में या फिर मिड में आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, और लगभग आपकी 4500 के आसपास वैकेंसीज होंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9000 वैकेंसी आएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं 2000 वैकेंसी आएगी, लगभग 4489 वैकेंसी आएगी, क्योंकि दोस्तों 1 सितंबर को वैकेंसीज की स्क्रूटनी होगी और इन सभी वैकेंसीज को जोड़ा जाएगा, ठीक है, या फिर एनालिसिस आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्यौरा लिया जाएगा वैकेंसीज का, व्हाटएवर, ठीक है। तो भाई ये जो एग्जाम कैलेंडर अपडेट होगा ना जुलाई महीने के अंदर, उसमें आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अपडेट नहीं मिल रहा है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं जाना कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नहीं आएगी। वो जो नया एग्जाम कैलेंडर आएगा 2025 वाला, 2024 के आखिर में दिसंबर महीने के अंदर, उसमें आपको इस नई वैकेंसी का अपडेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना तैयारी में रहिए। अपडेट नंबर 7 है NRACET 2024-25 से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ये कहा गया था साल की शुरुआत में कि 2024 के लास्ट क्वार्टर में NRACET की शुरुआत हो जाएगी। कोई भी अपडेट इसके बारे में नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रखिए। 2024 में क्या, 2025 में भी NRACET नहीं आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। 4 से 5 साल होने वाले हैं इसके बारे में अनाउंसमेंट किए और कोई अपडेट नहीं है। तो निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी करते रहिए, पुराने फॉर्मेट को टारगेट करके तैयारी करते रहिए। सीटी का कोई अपडेट नहीं है, 2025 में भी आपको वैकेंसी फ्रीली देखने को मिलेगी। अपडेट नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी एग्जाम्स क्लैश विद रेलवे एग्जाम्स। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा क्लैश आपको देखने को मिलने वाला है, इतिहास का सबसे बड़ा क्लैश आपको इस बार देखने को मिलने वाला है वैकेंसीज का। देखिए दोस्तों, एसएससी के सभी एग्जाम्स का क्लैश होने जा रहा है रेलवे के ऑलमोस्ट सभी बड़े-बड़े एग्जाम्स के साथ, जिसका आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं ना, वो थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि इस क्लास की वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहां पर कंपटीशन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक रेलवे में और एक एसएससी में, जिसकी वजह से कंपटीशन में राहत आपको देखने को मिलने वाली है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर एक साथ दो बड़ी फिल्में रिलीज हो जाती है ना, दोनों का भयंकर क्लैश हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम रह जाता है दोनों ही फिल्मों का। तो वही सीन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी 12th लेवल की वैकेंसी है, इसके साथ क्लैश है एसएससी एनटीपीसी 12th पास वाली रिक्रूटमेंट का, बिल्कुल सिमिलर है, सेम ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है। और दोस्तों लगभग 6 साल के बाद ये रिक्रूटमेंट आ रही है, तो ज्यादा ग्रेड ऑब्वियसली एनटीपीसी का रहने वाला है, क्लियर है, और इजी भी पड़ जाता है इन कंपैरिजन ऑफ सीएचएसएल। सीजीएल का क्लास आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी से देखने को मिलेगा। एसएससी सीपीओ एसआई के सामने खड़ी है आरपीएफ एसआई की पोस्ट, एसएससी कांस्टेबल जीडी के सामने खड़ी है आरपीएफ कांस्टेबल की पोस्ट, एसएससी जूनियर इंजीनियर के सामने है रेलवे जूनियर इंजीनियर, एसएससी एमटीएस हवलदार के सामने है रेलवे ग्रुप डी, और एसएससी स्टेनोग्राफर के सामने है रेलवे स्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो दोस्तों भयंकर क्लैश आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कट ऑफ में राहत मिलेगी, कंपटीशन काफी नीचे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो एक अनोखा संयोग बन रहा है ना, ये इतिहास में पहली बार बन रहा है, तो यार इसका फायदा आपको जरूर उठाना है। तो भाई जितने भी एसएससी एस्पिरेंट हैं, थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाइए, थोड़ी सी और मेहनत करनी शुरू कर दीजिए, इस बार खुद का लास्ट अटेम्प्ट सोच के तैयारी करना शुरू कर दीजिए, देखेगा गारंटेडली आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी, ठीक है। तो बेनिफिट्स इस बार आपको मिलने वाले हैं, चिंता मत करिए। अपडेट नंबर 9 है फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आने वाली एसएससी की सभी रिक्रूटमेंट्स में आपको डिले देखने को मिल सकता है, भले ही वैकेंसीज आपकी थोड़ी सी लेट आए, लेकिन दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर में बिल्कुल भी डिले नहीं होगा, टाइम के अंदर ही सिलेक्शन प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाएगा। भले ही एसएससी एमटीएस की वैकेंसी मई की जगह जून में आए, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर वही आपका 4-4.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सीजीएल की वैकेंसी भले ही जून की जगह जुलाई में आ जाए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन वही आपका 5-6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर बिल्कुल भी संदेह मत करिएगा, क्योंकि एसएससी फिलहाल काफी फास्ट स्पीड से चल रहा है। अपडेट नंबर 10 है, ये हमारा खुद का है एसएससी मास्टर गाइड, फ्री कॉम्बो हमने अवेलेबल करा दिया है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि
केवल एसएससी एस्पिरेंट्स ही नहीं बल्कि रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए भी ये अपडेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी को पता ही होगा, हमारी ये जो एसएससी मास्टर गाइड है ना, इसका हैवी स्टॉक अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हो चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ ही ये जो हमारी पिछले साल की करंट अफेयर की ओवरडोज ईयरली मैगजीन है ना, ये हमने बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा दिया है। यानी कि इन दोनों का ये जो कॉम्बो है ना, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। यानी कि अगर आप परचेज करोगे इस मास्टर गाइड को तो इसके साथ बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली है ये पूरे पिछले साल की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री है ये इसके साथ। तो ये एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बो बनाया है। इस कॉम्बो का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो आपको एक के साथ एक फ्री, यानी कि बाय वन गेट वन वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पूरे पिछले साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और इस साल की जो करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है ना, वो ऑन द वे है, बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तब तक आप प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर को तो अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि लास्ट टू ईयर्स के करंट अफेयर तो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ठीक है, और ये इसके साथ बिल्कुल फ्री हमने अवेलेबल करा दिए। तो मास्टर गाइड तो स्पेशल ही, आपको पता ही है, केवल एसएससी नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है ये मास्टर गाइड। कदम कदम पर परफॉर्मेंस मीटर मिल जाते हैं, जहां से आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी तैयारी को ट्रैक करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन की बहुत ज्यादा वैल्यू है, हर एक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड सुलझा हुआ ट्रिक और बिना ट्रिक के साथ सॉल्यूशन दे रखा है। अगर इसके अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना तो भाई एसएससी ही क्या, रेलवे के भी हर एक एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आओगे। बहुत ज्यादा वैल्यू है हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, तो भाई सभी मास्टर सेट्स के ऊपर केवल एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर देखिएगा रिजल्ट कितने चौंकाने वाले होंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कॉम्बो का, ठीक है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यही 10 मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट थी। अगर कोई भी अपडेट निकल के आता है एसएससी की तरफ से, सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करूंगा। इसलिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।